मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग और मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ यहाँ से मालदीव्स के लिए और मेरा ये एयरपोर्ट लुक है। ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है और मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और मुझे यहाँ से निकलना है अराउंड 8 to 8:30, बट मैं रेडी होने लग गई हूँ। ये मैंने बेसिक ब्लैक जीन्स विथ टॉप रखा है, ये टॉप मैंने मिंत्रा से लिया था। थोड़ा सा लाइट सा मेकअप कर लेंगे, नॉट मेकअप बट थोड़ा सा फेस को ठीक करेंगे, हेयर को सीक करेंगे और फिर मैं फाइनली रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। मेरा लगेज इधर पूरा खुला हुआ है क्योंकि मैंने सारा कुछ रख दिया था। मेहंदी के कलर भी बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छा कलर भी आया है। ये है मेरा फाइनल लुक। ये जैकेट इसलिए क्योंकि मुझे फ्लाइट में बहुत ठंड लगने लग जाती है, सो स्लीपर मैंने डाला है ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ। क्लोथ्स भी कंफर्टेबल है, पैक। बाकी के वीडियोस में आपको वॉइस ओवर मिलेगा क्योंकि बाहर बहुत नॉइज़ हो रही थी तो क्लियर आया नहीं है वॉइस। सो एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपना बैग का वेट कराया क्योंकि मुझे लग रहा था वो ओवर वेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े, सैंडल्स, बहुत कुछ पैक कर लिया था। सो बट ज़्यादा हुआ नहीं। फिर वहाँ से निकलते ही थोड़ा बहुत एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करके और कुछ कुछ चीज़ें देखा, बट प्राइस कुछ वर्थ नहीं था। लाइक जो बैंगल्स मार्केट में आपको अराउंड 100-150 में मिल जाते हैं, वो वहाँ पे आपको डायरेक्ट 500-600 ऐसे प्राइस के दिख रहे थे, तो कुछ लिया नहीं वहाँ से। तो बैंगलोर एयरपोर्ट से कुछ नहीं लिया। मैं प्राइस दिखा रही हूँ यहाँ पे, आप देखो नॉर्मल बैंगल्स है बट प्राइस 590। सो कुछ लिया नहीं वहाँ से। फिर हम लोग चले गए इंटरनेशनल लॉन्च, वहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया क्योंकि टाइम था, अराउंड 1-1.5 घंटे थे। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया था बट 1-1.5 घंटे थे, तो फिर अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया क्योंकि हम कुछ खा के भी नहीं निकले थे, बहुत सुबह ही निकले थे और बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत दूर है तो हमें ऐसे भी बहुत पहले निकलना पड़ जाता था और इंटरनेशनल फ्लाइट है तो एनी हाउ 3 घंटे पहले निकलने थे, तो हम सुबह कुछ खाए ही नहीं थे, कुछ खा नहीं पाया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो हमें भूख भी लग गई थी। तो लाउंज गए, लाउंज में वो मैं ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, ब्रेकफास्ट लिया अच्छे से और बहुत सारे वेराइटीज़ थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और इंटरनेशनल लॉन्च मैंने पहली बार गई थी, पहले डोमेस्टिक में गई हूँ बट इंटरनेशनल पहली बार गई थी, तो खाना का वैरायटी एंड ऑल बहुत बहुत अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। फिर खाना वाना मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद वहाँ से बाहर निकल के थोड़ा बहुत वेट किया, फिर हम लोग चले गए अंदर और आगे का सीन मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं सो गई थी। बट जैसे ही वहाँ पहुँची हूँ और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मालदीव्स का, और बीच का मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं सो गई थी एज आई टोल्ड यू, बट वहाँ पहुँचते ही इतना अच्छा वेदर था उस दिन, तो बहुत अच्छी हवा वगैरह चल रही थी और खुशी तो भाई नेक्स्ट लेवल थी क्योंकि ड्रीम प्लेस आप जा रहे हो, तो बहुत बहुत अलग एक्साइटमेंट था। फिर वहाँ से निकलते ही फर्स्ट डे हमारा था और ये माली एयरपोर्ट है, बहुत अच्छा व्यू है। फिर वहाँ से हमारा कैब आया और हम लोग चले गए अपने रूम में। ये मेरा फर्स्ट डे का स्टे था यहाँ पे, वो डिटेल वीडियो मैं जब आपको बनाऊँगी तो बताऊँगी। और ये था मेरे होटल का व्यू, व्यू बहुत प्यारा था, बहुत 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 प्यारा व्यू था, बट गर्मी भी बहुत हो रखी थी इधर, बहुत कड़ाके की धूप थी, तो थोड़ा बहुत हमने रेस्ट किया क्योंकि हम लोग थक भी गए थे। फिर शाम में अराउंड 5:36 हम लोग बाहर गए थे, बट वहाँ पे कैसा है ना कि 6 बजे सब बंद हो जाता है और मुझे ये पता नहीं था, ये कुछ मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं था और विवेक को भी कुछ आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो हम लोग घूम रहे थे, कुछ उतना कुछ मिल नहीं रहा था, सब सारे दुकान में लिखा हुआ है क्लोज्ड। फिर थोड़ा बहुत आगे जाते हुए एक नारियल पानी का शॉप दिखा, वहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने नारियल पानी लिया और ये कुछ $30 का था, ये नारियल पानी $30 का था। फिर वो सब लेके हम बाहर निकले और कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंस भी हुए यहाँ पे, वो मैं बात करूँगी किसी और वीडियो में कि मालदीव्स का गुड और बैड एक्सपीरियंस क्या क्या रहा है मेरा। बट एनी हाउ मैं घूमने गई थी, इन्जॉय करने गई थी,
तो मैं इंजॉय कर रही थी, घूमी, फिर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा जो इंडियन रेस्टोरेंट था, बट अंदर वेज, नॉन वेज, बीफ एंड ऑल सब कुछ मिल रहे थे। तो विवेक वेजिटेरियन है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता हम लोग को, बट एनी हाउ हमारे पास ऑप्शन नहीं बचे थे क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज हो रहे थे, तो हमें बस यहीं पे जाना था और कुछ तो खाना था क्योंकि हमें भूख भी लग गई थी, हमने अपना लंच नहीं लिया था। उसके बाद हम लोग पहुँचे और रेस्टोरेंट अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था बट अच्छा था, और फूड क्वालिटी भी अच्छी थी, मुझे ठीक ठीक लगी। विवेक को तो खाया ही नहीं जा रहा था क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज, बहुत अलग अलग टाइप के भी नॉनवेज मिल रहे थे। तो मैंने एक सूप ऑर्डर किया था, मुझे ठीक लगा, विवेक को पसंद नहीं आया तो उनके हिस्से का भी मैंने पी लिया, और थोड़ा बहुत खाना वाना ऑर्डर किया, लाइक एज़ यू कैन सी रोटी और सब्जी एंड ऑल, और वो सब खा के हम रूम पहुँचे और बस सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ट्रांसफ़र था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।